हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे क्लास हो रही है, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो कि क्वेश्चंस की संख्या है आपकी 8000। ठीक है, तो आपके 8000 क्वेश्चंस शाम को 7 बजे डेली होते हैं। मतलब ये 8000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको हम डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 125 में से 124 फंसाने की पूरी पूरी तैयारी है। ठीक है, 125 क्वेश्चन में से लगभग आपको 124 मिल जाएं। पूरी पूरी कोशिश यहीं से की जा रही है कि आपको 8000 क्वेश्चन वाली सीरीज से ही मिल जाए। ठीक है, तो सभी को डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है, और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि चलिए एक दिन में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, उसमें डिटेल जो हम बता रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल से मक्खन पकड़ना है कि हाँ देखिए, दुनिया में तालाब बहुत सारे हैं, लेकिन अपना टारगेट क्या है? मछली पकड़ना। ठीक है, अपना टारगेट है मछली पकड़ना, और ऐसे पकड़ना कि हमें तालाब हाथ में ना लगे, केवल हम मछली ही पकड़ें। तो हम जो थ्योरी बताते हैं वो तालाब है, और आपको उसमें से ये समझना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इस थ्योरी में से इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में डाल दें। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को पकड़ना है आपको कि कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हम थ्योरी बताएंगे, मतलब थ्योरी क्या, डिटेल बताएंगे। अब डिटेल से आपको समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। वैसे हम हर चीज़ बताते हैं, लेकिन जैसे जल्दबाजी में हम पूरी थ्योरी बता जाते हैं, पूरा डिटेल बता जाते हैं, नहीं बता पाते कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये बन सकता है। तो आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में। समझ रहे हैं बात को? तो डेली आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है 8000 क्वेश्चन की सीरीज में। एंड सभी लोगों का वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। और सभी तक क्लास शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग क्लास में आ सकें और इस क्लास को बिल्कुल से अच्छे से पढ़ सकें। और सभी तक शेयर जरूर कर दिया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि जितने भी हैं जहाँ मतलब इस क्लास की जितनी ज़्यादा ज़रूरत आपको है, उतनी ही ज़रूरत उस हर बच्चे को है जो TGT का एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। कल हमने 20 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया था, डिटेल ज़्यादा थी इस वजह से हमने 20 ही क्वेश्चन कल करवाए थे। आज हमें उठाना है 21 क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे कौन? अमृतलाल नागर, KS कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट, जनक झनकार, नर्सरी। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे फटाफट से, सभी लोग करेंगे फटाफट से। और रात में 9 बजे क्लास होती है, रात में 9 बजे जो क्लास होती है, इसमें भी सभी को जुड़ना है। इसमें हम आपका पाश्चात्य कला का इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको जरूर जुड़ना है। ठीक है, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये है KS कुलकर्णी। ठीक है, चित्रकार, अब इसकी डिटेल समझ लीजिए। KS कुलकर्णी एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और 1945 से 1955 के बीच में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना दिल्ली में इन्हीं ने की थी। किसने? KS कुलकर्णी ने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। KS कुलकर्णी श्रेष्ठ भित्ति चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, छापा चित्रकार भी थे। ठीक है, और कुलकर्णी 1972 से 1948 ईस्वी में इम्पोर्टेंट है। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में ललित कला संकाय के डीन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, सभी को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। आगे देखिए, दे रहा है इनका प्रमुख काम शांति निकेतन, हिंदी भवन, चीनी भवन, कला भवन पर बनाए गए हैं, और 1947 के स्मारकीय भित्ति चित्र हैं। इनकी कला शैली पश्चिमी आधुनिक कला व प्राच्य परंपराओं की आध्यात्मिकता से अवशोषित मुहावरों का जटिल मिश्रण है। ये चीज़ याद रखना है, डीन रहे हैं, और ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? कैनवास, कला वार्ता, कला दीर्घा, समकालीन। 22 क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से, और सभी तक शेयर भी करते रहना है, और जितनी भी मैराथन होती हैं उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है, याद रखना है मैराथन बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। आगे बढ़ते हैं, आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर जो आपका है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है समकालीन, ठीक है। कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? तो ये समकालीन। अब इसको समझ लीजिए, ललित कला अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका ललित कला कंटेम्प्रेरी, ललित कला एशियंट, समकालीन कला, ये सब हैं। किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ललित कला अकादमी द्वारा। दूसरा है दे रहा है ललित कला टेम्परेरी एवं ललित कला एशियंट, ये दो ललित कला अकादमी की अंग्रेजी में प्रकाशित हुई पत्रिका हैं। कौन कौन सी? ललित कला टेम्परेरी और कौन सी है? ललित कला एशियंट, ठीक है। अब समकालीन कला के बारे में देख लीजिए, दे रहा है समकालीन कला ये ललित कला अकादमी की हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्रिका है। कैसी है? हिंदी भाषा में। ऊपर हमने इंग्लिश की देखी, और ललित कला अकादमी की स्थापना कब होती है? 5 अगस्त 1954 को, कहाँ? दिल्ली में, भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली में, गढ़ी, भुवनेश्वर में है। मतलब ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल से रटी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे हमें पता है कि आप लोगों की तैयारी एकदम पक चुकी है, बिल्कुल से आप लोग पके पकाए आम हैं, बस चुसना बाकी है आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल से धार देते रहिए, एकदम प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डेली आपको टारगेट रखना है कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ें तो 100 क्वेश्चन तो डेली के करें ही करें। एक दिन में ना जाने, मतलब एक महीने में ना जाने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, अगर एक दिन 100 क्वेश्चन करते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, हर चीज़ को धार देते रहिए। और यहाँ आपकी बिल्कुल से रिवीजन क्लास जैसी ही चल रही है, हर चीज़ आपको यहाँ थ्योरी भी मिल रही है, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। चलिए, कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है? भूरा, बैगनी, नीला, नारंगी, बताइए क्या होगा आंसर। सभी जानते हैं भूरा रंग तो हमें कहीं दिखता ही नहीं है इंद्रधनुष में, आप लोगों की आंखें तेज हो तो दिख जाए, भगवान करे। चलो, इंद्रधनुष का रंग कैसा है? भूरा नहीं है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। और उसमें पूछ लेता है कि तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, तो तटस्थ रंग पूछ लेता है, तो ग्रे, काला, सफेद, ठीक है। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर पूछे जाते हैं, तो ये हमने आपको याद कराया था, सिमे एब, तोसा से, सी से सियान हो गया, मी से मेजेंडा हो गया, ए से येलो, बा से ब्लैक, ठीक है। तो ये हो गए कलर प्रिंटिंग के। ऐसे ही आगे अब देखिए, न्यूटन के अनुसार प्रकाश की 7 रंगतें कौन कौन सी हैं? बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां कौन सी हैं? आदिनाथ, जैन तीर्थंकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं, विष्णु सांप पर सो रहे हैं, बोधिसत्व तो पद्म पाणि, क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे 24। सभी लोग करेंगे 24। संख्या 4 पूछी है, इसकी छवियां। आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है? आदिनाथ जैन तीर्थंकर, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं आदिनाथ के बारे में, कि जैन तीर्थंकर की छवियां बादामी के गुफा संख्या 4 में है आदिनाथ की, ठीक है। और बादामी गुफा के अन्य पैनल पर खंडित चित्र बचे हुए हैं, उनमें आकाशधारी विद्याधर, विरहिणी रमणी, शिव पार्वती, इनके अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं। कौन सी गुफा? संख्या 4, ठीक है। ऐसे ही आगे दे रहा है, बादामी गुफाएं भारत की सबसे पुरानी गुफाएं हैं, इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का मिश्रण देखने को मिलता है। किस गुफाओं में? बादामी गुफाओं में। और बादामी गुफा में 4 भाग हैं जो कि 6वीं शताब्दी के बाद बनवाए गए। चारों भाग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली गुफा में हिंदू देवी देवता और शिव तांडव, नटराज की मूर्ति, ये सब हमें पहली गुफा में मिलती है। दूसरी गुफा में भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलती है।
तीसरी गुफा में भगवान विष्णु और नक्काशी का कार्य देखने को मिलता है। ऐसे ही चौथी गुफा है धर्म की, मतलब जो जैन धर्म है इसके देवी देवताओं को समर्पित है। तो ये चारों जो गुफाएं थी आपकी आपके सामने हैं, बता दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मांडू किसके लिए फेमस है? जैन चित्रकारी, बुद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र, इतिहास पूर्व गुफाएं, बताइए 25 क्या होगा आंसर? 25 का क्या होगा, सभी लोग बताएंगे? आंसर की, अरे आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है इतिहास पूर्व गुफाएं, ठीक है मांडू। अब देखिए समझ लीजिए इसको, मांडू जो है ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो रानी रूपमती और बादशाह बहादुर, जो बाज बहादुर हैं, इसके प्रेम का साक्षी है, क्या? मांडू, ठीक है। और यहाँ के खंडर और इमारतें हमें इतिहास के उस झरोके के दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत और शानो शौकत से रूबरू होते हैं। अतः यह इतिहास पूर्व गुफाओं के प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बिजू का चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? दीप्तिशा घोष, हेमराज, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश वाजपेयी, 26 बताइए क्या होगा आंसर? बिजू का पूछा है, आंसर जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है अवधेश वाजपेयी, उसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझ लेते हैं, जो बिजू का है ये चित्र श्रृंखला अवधेश वाजपेयी से संबंधित है। बनारस एवं शिमला शहर की चित्र श्रृंखला राम कुमार ने बनाई है, पूछा जाता है बनारस एवं शिमला शहर की चित्र श्रृंखला किसने बनाई, तो राम कुमार ने। ययाति को किसने बनाया है, ए रामचंद्रन ने बनाया है। रागनी को किसने बनाया है, ये भी ए रामचंद्रन ने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जितनी भी बताई जा रही है सब पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। आगे दे रहा है गर्ल्स चाइल्ड वुमेन, इसको बनाया है अर्पिता सिंह ने। म्यूटेशन को किसने बनाया है, अंजलि इलामेनन। म्यूटेशन पूछे अंजलि इलामेनन, वुमेन सॉरी गर्ल्स चाइल्ड वुमेन पूछे अर्पिता सिंह हो जाएगा। ऐसे ही आगे है ययाति पूछे ए रामचंद्रन, बनारस एवं शिमला शहर तो राम कुमार, ठीक है, भूलना नहीं है, अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। आगे आगे है केसीएस पणिक्कर किसके चित्रकार थे? बेंगलोर समूह, प्रगतिशील कलाकार समूह, चोलमंडल कलाकार समूह, बड़ौदा समूह, क्या होगा? केसीएस पणिक्कर के बारे में पूछा जा रहा है, सभी लोग फटाफट से बताएंगे, एकदम धुआंधार तरीके से रिप्लाई करेंगे और सभी तक शेयर भी करते रहना है, ठीक है, बीच बीच में शेयर भी करते रहिए। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी चोलमंडल कलाकार समूह, ठीक है। अब आंसर की बात करते हैं इसके डिटेल की, तो 1966 में चोलमंडल कलाकार समूह की स्थापना किसने की थी, केसीएस पणिक्कर ने की थी, और 1944 ईस्वी में चेन्नई में, इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना है, 1944 में चेन्नई में प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन, जिसे हम इंग्लिश में पीपीए बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना केसीएस पणिक्कर ने की थी, ये भी याद रखना है। आगे आगे है मद्रास आर्ट मूवमेंट के पहले और प्रमुख कलाकार कौन थे, ये पणिक्कर थे, ये भी दिमाग में रखना। आगे है अवतार सिंह पंवार के चित्र का शीर्षक क्या है, वाल्मीक, सांवरी, नर्तक, सुजाता, 28 बताएंगे सभी लोग फटाफट से क्या होगा आंसर 28 का। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर आ गया है ऑप्शन डी, ये है सुजाता, ठीक है। अवतार सिंह पंवार के चित्रों का शीर्षक क्या है, सुजाता है, याद रखना है। और यह है, और ये जो है ना, ये वाटर कलर से बनाई गई पेंटिंग है। अवतार सिंह पंवार के जन्म की बात की जाए तो 1959 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ था, और अवतार सिंह पंवार मूलतः कैसे हैं, ये मूर्तिकार हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। अवतार सिंह पंवार कला शिक्षा जो है, अवतार सिंह पंवार कला शिक्षा ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से लिए थे, और अवतार सिंह पंवार मदनलाल नागर, रणवीर सिंह विष्ट, सुधीर रंजन खास्तगीर के ये प्रमुख शिष्यों में से थे, ठीक है, कौन? अवतार सिंह पंवार, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, पूछा जा रहा है मुंबई में रेडियोलॉजिस्टिक का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए, ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन, कृष्ण खन्ना, 29 बताएंगे सभी लोग फटाफट से।
चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सुधीर पटवर्धन। किसने? सुधीर पटवर्धन। अब देखिए, सुधीर पटवर्धन मुंबई में रेडियोलॉजिस्टिक का काम करने वाले सशिक्षित कलाकार हैं, और इनका जन्म कब होता है? 1949 में, कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में होता है। और वर्ष 2005 के पश्चात इन्होंने पूरा समय अपना समकालीन चित्र कलाकार के रूप में काटा है, ठीक है। इनके सभी चित्र आम व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होते हैं और इन्हीं आम व्यक्तियों की कहानी को यह मंच पर जीवित दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाघ गुफाएं कहाँ हैं? बहुत सिंपल सा है, बताओ कहाँ है बाघ गुफाएं? सभी जानते हैं, आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है और बाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट हैं, ये भी याद रखना है। पहाड़ी पूछ ली जाती है, और नदी पूछ ले तो नर्मदा नदी की सहायक नदी बागमती, जिसे हम बाघनी बोलते हैं, इस नदी के पास है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। और स्थानीय लोग बाघ गुफाओं को पंच पांडु गुफाओं के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बाघ गुफा के बारे में थोड़ा सा डिटेल दी हुई है, इसको समझ लीजिए जल्दी से। बाघ गुफा की खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजल फील्ड ने की थी, और डेंजल फील्ड ने बाघ गुफा का विवरण एवं परिचय मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ, ये भी पूछ लिया जाता है, साहित्यिक विनियम संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था, ठीक है, डेंजल फील्ड ने। आगे, बाघ गुफा का विस्तृत परिचय प्रकाश किया, और डॉक्टर इम्फे ने बाघ गुफा के पास बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है, ये भी याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि बाघ गुफा का विस्तृत परिचय प्रकाशित किसने किया है, तो ये डॉक्टर इम्फे ने, और बागेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर कौन सी गुफा के पास में है, तो ये बाघ के। आगे, हंगेरियन जिप्सी गर्ल किसका चित्र है? अमृता शेरगिल, माधवी पारेख, नलनी मलानी, नसरीन मोहम्मदी, बताइए क्या होगा? 31, सभी लोग बताएंगे 31 का आंसर क्या होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए ये है अमृता शेरगिल, ठीक है, 1932 में बनता है। आगे चलते हैं, 1937 में चित्रित हंगेरियन जिप्सी गर्ल के चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, और बालिका वधू, अछूत बालिका, ये सब अमृता के चित्र में गंगा की ताहिती कला का प्रभाव देखने को मिलता है। 1935 में अमृता के बनाए चित्र मदर इंडिया, हिलमैन, हिल वूमैन चित्र में भूख की त्रासदी अभिव्यक्त करते हैं, और अमृता के चित्र कौन से हैं? पर्वतीय पुरुष, पर्वतीय स्त्रियां, वधू का श्रृंगार, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, द स्टोरी ऑफ टेलर, हाथी का स्नान, ये सब मिलता है, ठीक है। आगे, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के जी सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख, अकबर पदमसी। 32 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे 32, फटाफट से करेंगे। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी केजी सुब्रमण्यम, ठीक है। अब देखिए, लखनऊ के रविंद्रालय पर बना भित्ति चित्र द किंग ऑफ डार्क चैम्बर केजी सुब्रमण्यम ने बनाया, और केजी सुब्रमण्यम टेराकोटा रिलीफ के लिए जाने जाते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और विख्यात म्यूरल है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जो कि 81 फिट लंबा है, 5 फिट ऊंचा है, और 13,000 टेराकोटा टाइलों की मदद से इसको निर्मित किया गया है, ठीक है। अब देखिए, इसको समझ लीजिए, के जी सुब्रमण्यम जो है ना, ये चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, और लेखक थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इनकी मृत्यु 29 जून 2016 में बड़ौदा गुजरात में हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है श्याम बेनेगल कौन है? फिल्म निर्देशक, गायक, नर्तक, कवि, क्या होगा आंसर 33 का? फटाफट से करेंगे सभी लोग, बताएंगे। हाँ, तो देखिए, श्याम बेनेगल कौन है? ये फिल्म निर्देशक हैं। श्याम बेनेगल फिल्म निर्देशक हैं और दुनिया के पहले फिल्म मेकर, मतलब फिल्म निर्माता अगस्ट और ल्यूमर ब्रदर्स थे,
ठीक है, याद रखना है फिल्म निर्देशक कौन है, श्याम बेनेगल है, और दुनिया के पहले फिल्म निर्माता कौन थे, अगस्त और ल्यूमरे ब्रदर्स थे। ठीक है, अब इसको समझिए, फिल्म अतार के निर्देशक कौन है, जेम्स कैमरून है, ये भी पूछा जा सकता है। भारत का प्रथम सिनेमा थिएटर जो है ये कहाँ है, मदन थिएटर है, जो कि कहाँ पर है, ये आपके मुंबई में है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है, तैयब मेहता, राम किंकर बैच, सैयद हैदर रजा, यामिनी राय। 34 का बताएंगे सभी लोग फटाफट से, क्या होगा आंसर, कौन एक मूर्तिकार है। आंसर की बात की जाएगी तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है राम किंकर बैच। अब इनकी डिटेल देख लीजिए, राम किंकर बैच मूलतः कौन है, मूर्तिकार है, और शांति निकेतन में इनको किंकर दा नाम से प्रसिद्ध माना गया है, मतलब ये किंकर दा के नाम से फेमस हैं। और इनका जन्म 20 मई 1910 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के पास जुग्गी पाड़ा गांव में हुआ था। और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसको कहते हैं, राम किंकर बैच को कहते हैं। और राम किंकर के व्यक्तित्व पर आधारित उपन्यास है देखी नाई फिरे, बहुत इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब है कि मुड़कर नहीं देखा। इसके लेखक कौन है, ये समरेश बसु है, कौन है, समरेश बसु। आगे, द इनर आई किससे संबंधित है, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट, राज कपूर। 35 का क्या होगा आंसर, बताएंगे फटाफट से सभी लोग, 35। चलिए, आंसर होगा आपका ये है सत्यजीत रे के द्वारा। तो देखिए इसके बारे में समझ लीजिए अच्छे से, द इनर आई कला फिल्म निर्माता सत्यजीत रे से संबंधित है, और सन 1957 ईस्वी में विनोद बिहारी मुखर्जी के नेत्रों की शल्य चिकित्सा हुई, जिसमें इनकी आंखें चली जाती हैं, ये अपनी ज्योति को खो देते हैं, और कला फिल्म निर्माता स्वर्गीय सत्यजीत रे ने विनोद बिहारी पर वृत्त चित्र इनर आई को बनाया था। ठीक है, फिल्म बनाई थी। कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है, सुजाता, मदर टेरेसा, ध्यानेश्वरी, बिंदु, क्या होगा आंसर, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, 36 सभी लोग बताएंगे आंसर, और सभी तक शेयर भी करते रहना है क्लास को। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी ये है मदर टेरेसा। ठीक है, याद रखना है एम एफ हुसैन का। अब इसको देख लेते हैं, चलिए, कैनवास पर मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला 1980 ईस्वी में एम एफ हुसैन ने चित्रित किया, और मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, इम्पोर्टेंट है। आगे, एम एफ हुसैन की कुछ चित्र श्रृंखलाएं हैं उनको देखते हैं, मोहन चंद, करमचंद गांधी, ये भी याद रखना है, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज, ये सब याद रखना है। ठीक है, और एम एफ हुसैन अपने घोड़ों के चित्रों के लिए फेमस हैं, इम्पॉर्टेंट है, और एम एफ हुसैन समकालीन कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, क्या होगा 37 का, कन्हेरी गुफाएं कहाँ पर हैं, सभी लोग बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक मिनट का टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, अगर आप इस क्लास में जुड़ेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी आपको पढ़ाए जाएंगे वो तो मिलेंगे ही, साथ में आपको जो डिटेल के माध्यम से क्वेश्चंस मिलेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के नज़दीक ले जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल से निःशुल्क तैयारी हो रही है, एकदम फ्री में, और बिल्कुल इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि कोचिंग में भी शायद इतने अच्छे से क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं जिस तरह से हम आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल से यहाँ बिल्कुल फ्री में हो रही है, तो सभी को ले आया करिए आप लोग। ठीक है, सभी तक क्लास शेयर कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना यही आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं, पूरी पूरी गारंटी है। यहाँ पर जो तैयारी होती है वो ऐसी होती है कि 125 में से 124 क्वेश्चन आपके फंसाने की तैयारी हो रही है, और देखिएगा कहीं ना कहीं ये फंसेंगे भी, 124 क्वेश्चन का जो हमारा टारगेट है वो पूरा होगा। हम नहीं बताएंगे कि हाँ पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आप खुद आकर बताएंगे कि हाँ मैम 125 में से 124 हमें मिले कि नहीं मिले, 120 प्लस तो पूरे पूरी गारंटी है कि मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, 120 तक तो पहुंच जाएंगे आराम से, बाकी 5 क्वेश्चंस जो थोड़ा सा मतलब टेढ़े मेढ़े टाइप के होते हैं उनको भी कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है।
चलिए इसको बताते हैं आंसर। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो दे रहा है कन्हेरी गुफा थाना जिला महाराष्ट्र में स्थित है और कन्हेरी प्रांगण में 100 से अधिक गुफाएं मिलती हैं और कन्हेरी गुफा से ही अमोघ वर्ष फर्स्ट के शासनकाल का लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासकों ने बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था। और कन्हेरी गुफा धर्म किस धर्म से है रिलेटेड? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखना है। इसका बताइए ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये किसकी चित्र श्रृंखला है? बताइए जी आर संतोष, रणवीर सिंह विष्ट, पारितोष सेन, लालू प्रसाद शौ। क्या होगा आंसर 38 का? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है रणवीर सिंह विष्ट। क्या होगा? ऑप्शन बी। अब इसको देखिए ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किसकी है? रणवीर सिंह विष्ट की। और इनका जन्म होता है 1928 में गढ़वाल उत्तराखंड में और विष्ट ने 1970 में अति यथार्थवादी प्रवृत्ति से प्रभावित दृश्य चित्रण किया, ये पूछा जाता है, याद रखना है। और विष्ट को उद्वेलित व आकर्षक करने वाले रंगों के प्रयोग के कारण क्या कहते हैं? रंगवादी के रूप में जाना जाता है। कौन? आर एस विष्ट। नेक्स्ट है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले प्रधानाचार्य पूछे जा रहे हैं, बताइए नेथेनियल हर्ड, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेड, असित कुमार हलदार। क्या होगा ऑप्शन ए कि ऑप्शन डी? बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट से करेंगे। 39, चलिए आंसर की बात करते हैं, आपने जिसने जिसने ऑप्शन डी दिया है उसका बिल्कुल सही है, असित कुमार हलदार थे। ठीक है, अब देखिए कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य 1925 में, ये भी याद रखना है, ठीक है, 1925 में असित कुमार हलदार नियुक्त हुए और 1945 तक पद पर कार्यरत रहे, ये भी याद रखना है कि 25 से लेकर 45 तक। और असित कुमार के समकालीन कौन थे? एल एम सेन और वी सेन ने अपने अध्यापन काल में अनेक वर्षों तक लखनऊ कला परिदृश्य तथा कलाकारों को प्रभावित किया है। ठीक है, इनके समकालीन पूछे जाते हैं तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र कौन से हैं? हाथी, जंगली सांड, बाघ, बताइए 40 का क्या होगा आंसर? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए हाथी, जंगली सांड, बाघ, ये सब कुछ। ठीक है, आगे अब देखिए पुरापाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने हैं कौन कौन से? हाथी, जंगली सांड, बाघ, इनके चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। और भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारह सिंगा, सुअर, रीछ, मतलब कि केवल टोटल जानवर ही जानवर हैं। और जब हम दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरे स्तर पे, तो वहाँ पर मानव को भी जानवरों के साथ में दिखाया गया है, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। आगे वॉश चित्रों से संबंधित कौन है? बताइए क्या होगा? बद्रीनाथ, सुधीर खास्तगीर, बिरेश्वर सेन, मदनलाल नागर। क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। चलो हाँ बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है बद्रीनाथ आर। ठीक है, तो वॉश चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर। धार्मिक, पौराणिक आख्यानों एवं सामाजिक विषयों पर वॉश चित्र अधिक मिलते हैं और सांवरी पी कहा वी एन आर के लोकप्रिय चित्र हैं जो इलाहाबाद संग्रहालय और एबीसी आर्ट गैलरी वाराणसी में संग्रहित हैं। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलना है। पूछा जा रहा है राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक कौन थे? बशोहली स्कूल, पूंछ स्कूल, गुलेर स्कूल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर 42 का? राजा कृपाल पाल। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है बशोहली शैली। ठीक है, अब देखिए बशोहली स्कूल प्रमुख संरक्षक कौन है? राजा कृपाल पाल थे। और बशोहली वर्तमान में रावी की घाटी में एक छोटा सा नगर है, वहां पर है, जो वर्तमान में जम्मू राज्य के कथुआ या फिर कठुआ नाम के जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और प्राचीन काल में बशोहली की राजधानी बल्लपुर या फिर बालौर थी, ये भी देख लीजिए।
और बसोहली की यात्रा 1835 से 39 के बीच फ्रांस के यात्री विग्ने ने की थी और 1928 ईस्वी में अजीत घोष ने यहाँ की यात्रा की और 1930 में जेसी फ्रेंच ने की थी और राजा कृपाल के शासन में रसमंजरी का चित्रण हुआ जो बसोहली शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति मानी गई है। ठीक है, पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। पाल के लघु चित्र पूछे हैं, बताइए। हाँ, आंसर जिसने ऑप्शन बी दिया है बौद्ध धर्म, उसका करेक्ट है। पाल शैली के लघु चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और भारत में लघु चित्रों की शुरुआत यथार्थवाद को व्यक्त करने के लिए पाल राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई और भारत में पाल शासकों द्वारा लघु चित्रों का प्रारंभ बौद्ध पांडुलिपि प्रज्ञा पारमिता से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल पोथी चित्रों का समय कौन सा है? 8वीं शताब्दी से माना जाता है। और पाल शैली में पोथी चित्र एवं लघु चित्र किस पर बनते थे? ताड़पत्र कह दीजिए या फिर तालपत्र। और पाल शैली में चित्रित बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है। साधनमाला, प्रज्ञा पारमिता, पंचशिखा, करणदेव गुहा, गंध व्यू, ये सब यहाँ के हैं। और पाल शासक महीपाल ने चैत्य मूलगंध कुटी धर्मराजिका स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने? पाल शासकों ने। ठीक है, पाल शासक के महीपाल ने। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार हैं? रेखा, रोडविटिया, जय झरोटिया, खास्तगीर, दिलीप दास गुप्ता। दिख नहीं रहा होगा, हमने बोल दिया है, पूछा जा रहा है बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार पूछे हैं। आंसर है आपका ऑप्शन डी, ये है दिलीप दास गुप्ता। ठीक है, आगे। बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार दिलीप दास गुप्ता हैं और बनारस शीर्षक श्रृंखला के रचनाकार राम कुमार हैं। ठीक है, याद रखना है, बनारस के कौन हैं? दिलीप दास गुप्ता, और वाराणसी के कौन हैं? राम कुमार, कन्फ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड एंड माउंटेन के कौन हैं? ये हैं जे स्वामीनाथन, और द हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू, इसके कौन हैं? विवान सुंदरम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में जाने कितनी चीज़ें आपको यहाँ मिल गई। आगे, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाण पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार कौन हैं? शिवु नटेशन, अंजु डोडिया, अतुल डोडिया, एम एफ हुसैन। 45 का क्या होगा, बताएंगे फटाफट से। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है अतुल डोडिया। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र धातुई किवाण पर महालक्ष्मी चित्र अतुल डोडिया ने चित्रित किया और कागज पर वॉश लक्ष्मी चित्र क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया है और शिव और सती की यात्रा प्रसिद्ध चित्र शारदा चरण उकील ने बनाया। राम का विवाह प्रसिद्ध चित्र के वेंकटप्पा ने बनाया है। ठीक है, याद रखना है। और प्रसिद्ध चित्र है शिव की मुखाकृति, इसको बीसी सान्याल ने, और दुर्गा महिषासुर मर्दनी, इसको तैयब मेहता ने, गणेश जननी को किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना है। बढ़े आगे, चलिए आगे है। सफेद और काले और सफेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। 46 का क्या होगा, सभी लोग करेंगे। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी ये है नसरीन मोहम्मदी। अब देखिए, काले और सफ़ेद रंग से ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी के लिए नसरीन मोहम्मदी प्रसिद्ध हैं और काले रंग के चित्रकार जोगेन चौधरी हैं। कौन? काले रंग के। और कांटी कला फ्रांस की चित्रांकन विधि है, ये भी पूछी जाती है, जिसमें लाल और काले रंग से चित्रांकन किया जाता है। किसमें? कांटी कला में, और यह है कहाँ की? फ्रांस की है। और काले रंग के प्रसिद्ध कौन हैं? तो वो जोगेन चौधरी हैं। दे रहा है जे स्वामीनाथन ने कहा है चित्र अंतराल का रंग ज्यामिति है। क्या कहा है स्वामीनाथन ने? चित्र अंतराल का रंग क्या है? ज्यामिति है। और कमल कृष्ण का प्रिय रंग कौन सा है? ये सफेद था। और श्वेत रंग से कमल कृष्ण ने तिब्बत के हिमाच्छादित विशाल पर्वत, झरने, नदियां, सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को अपने चित्रों में स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसने छोड़ दिया सच में अमृत मिल रहा है घर पे। यहाँ पे अमृत पी लो ना, सच में सिलेक्शन मिलना बिल्कुल तय है, इतना याद रखिए। बताइए उस चित्रकार, भित्तिकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके
कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता, बताइए 47 सभी लोग करेंगे। चलिए आंसर है ऑप्शन सी, ये है केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो केजी सुब्रमण्यम चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, छायाकार और प्रिंट मेकर लेखक भी थे। ठीक है, और शैली की विविधता, मौलिकता और सृजनात्मकता केजी की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। और केजी को भित्ति चित्र तथा टेक्सटाइल में द्विआयामी डिजाइन बनाने के लिए अत्यधिक महारत हासिल थी। और केजी के प्रसिद्ध भित्ति चित्र कौन है? ज्योति लिमिटेड है, बड़ौदा, रविंद्रालय लखनऊ, भारतीय मंडप, न्यूयॉर्क विश्व मेले और ललित कला संकाय बड़ौदा, मेरे सपनों का भारत मंडप, गांधी दर्शन दिल्ली, ये सब हैं। ठीक है, आगे उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है, बताएंगे श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, कौन सा है? 48 हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है श्वेतांबर। ठीक है, अब देखिए इसको, श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित संप्रदाय हैं और हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से हैं संबंधित। पाल राजाओं की आस्था बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय में थी और पाल राजाओं के आश्रय में महायान देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। ये चित्र 1 या 2 इंच वर्गाकार होते थे। ठीक है, और पाल राजाओं का महायान, तंत्रयान, वज्रयान में आस्था थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, इसलिए बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये नहीं कि डिटेल पढ़ा रही है तो नहीं पढ़ना है, समझे? थोड़ी सा सिलेक्शन से चाय हो ना तो पढ़ लेना, नहीं तो बैठे रहना। पाल शैली में चित्रित पोथियाँ साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुह, पंचशिखा, महायान बौद्ध पोथियाँ, ये सब है। पंचशिखा क्या है? तो राजा जयपाल के 14वें राजरोहण वर्ष में चित्रित की गई है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इसको सुरक्षित किया गया है। ठीक है, नीलिमा शेख की कलाकृतियां किनसे प्रभावित हैं? थोड़ा सा देखने में इसमें मतलब भद्दा भद्दा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। पता नहीं कैसे क्या इसमें पीडीएफ बनाई गई है। आंसर क्या होगा 49 का? आंसर होगा, इसकी बात करें आंसर की, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है, मुगल, जापानी, पाश्चात्य, ये सब सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया? वाकाटक, चालुक्यों, सातवाहन, गुप्त, क्या होगा? हाँ रहे, चलो, बादामी गुफाओं को किसके तहत विकसित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है चालुक्यों के द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम केवल 50 तक करते हैं, आज हम केवल 50 तक ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे जो 51 से क्वेश्चन होंगे वो इसके नेक्स्ट क्लास में होंगे। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा, बाकी जैसा सही लगे। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। वैसे मेहनत तो बहुत पड़ रही है पढ़ाने में, थ्योरी भी और डिटेल्स भी पढ़ानी है और उसी में क्वेश्चंस भी बताने हैं, तो क्लास को शेयर सभी तक करते रहना है। ठीक है, चलिए।